गोंदिया जिले के चुटिया स्थित श्रीराम अभिनव सहकारी संस्था में किसानों की ओर से बेचे गए धान के पैसे करीब ढाई महीने के बाद भी नहीं मिलने पर किसानों ने विधायक विनोद अग्रवाल के घर के सामने ठिया आंदोलन शुरू किया। आखिरकार दो दिन के बाद किसानों ने आंदोलन वापस ले लिया है। विधायक अग्रवाल मुंबई जाकर 4 सितंबर को किसानों को पैसे दिलाने की कार्रवाई करने के वादे के बाद आंदोलन वापस लिया गया है। किसानों ने कहा कि 4 सितंबर को किसानों के खाते में पैसा नहीं आया तो किसान फिर से आंदोलन पर बैठेंगे। जबकि धान घोटाला करने वाले श्रीराम अभिनव सहकारी संस्था के संचालक फरार है। किसानों ने मांग की है कि उन्हें तुरंत गिरफ्तार किया जाए। मी हे सांगणार, आपले जो आमदार आहेत विनोदजी अग्रवाल यांनी हे बोलले आहे की मी सोमवारला म्हणजे 4 सप्टेंबरला मुंबईला चाललो, कदाचित पेमेंट नाही झालं तुमचं तर मी तिथे बसून जाणार, तुम्ही इथे बसून जा, है ना। हे बोलले की 4 तारखेच्या अगोदरच पेमेंट होण्याची शक्यता आहे, परंतु नाही झालं तर तुमच्या या पेमेंटकरिता मी 4 तारखेला तिथे जाणार आहे मुंबईला। मुंबईला पेमेंट पूर्ण करूनच परत येणार आहे। कदाचित तुमचे पेमेंट नाही झाले, चुकारे नाही झाले, तर मी तिकडे बसून जाणार मंत्रालयामध्ये, तुम्ही इकडे बसून जाणार, बरोबर। ते तिकडे बसून जाते आणि आम्ही इकडे बसून जाऊ, विषय संपला आहे, बरोबर। हे बोलून आम्ही आपले जे आन्सर आहे आम्ही मागे घेत आहोत, आमदारजीचे बोलण्याचं मागे। पिछले दो दिन से यहाँ पर श्रीराम अभिनव शासकीय धान खरीदी संस्था, इसके अंतर्गत सरकार को धान बेचने वाले 433 जिनके बिल ऑनलाइन हो चुके, ऐसे किसान और करीब करीब 200-300 किसान ऐसे हैं कि जिनके बिल ऑनलाइन नहीं हुए लेकिन उन्होंने संस्था को धान बेच दिया है। ये सब ने मिलकर के यहाँ पर आंदोलन किया था। आंदोलन करने के बाद में पिछले 2-3 महीने से लगातार ये लोग प्रयास कर रहे थे, इनका जो बिल वाले पक्के बिल वाले जिनके बिल ऑनलाइन हो चुके हैं, ऐसे लोगों का पेमेंट DMO ऑफिस में आकर के पड़ा हुआ है, लेकिन DMO ऑफिस उनको पेमेंट करने को तैयार नहीं था। इस बारे में माननीय मुख्यमंत्री जी से, उप मुख्यमंत्री जी से लगातार मैं संपर्क में था और मैंने जो पत्र दिया था उस पत्र के ऊपर में अभी आज ही मंत्रालय में बैठक हुई है, बैठक सकारात्मक रही है और बहुत जल्दी मुझे लगता है कि आने वाले 1-2-4 दिन में जो जिनके 433 जो किसान हैं जिनके बिल ऑनलाइन हो चुके हैं उनको सबको पेमेंट मिलेगा। और निश्चित तौर पे आज जो किसानों की जो अनेक दिन की जो मांग थी वो निश्चित तौर पे पूरी होंगी। भंडारा गोंदिया जिला वासियों के लिए खुश खबर है, अब आपका मनपसंद चैनल BS क्राइम इंडिया न्यूज अब आपके केबल नेटवर्क पर, जी हाँ अपने केबल नेटवर्क के एशियन चैनल नंबर 13 पर उपलब्ध है। BS क्राइम इंडिया न्यूज पर खेल, राजनीति, क्राइम, साहित्य व अन्य खबरें प्रकाशित की जाती है। हमारे साथ जुड़ने के लिए तथा हमारे चैनल में खबरें, विज्ञापन आदि के लिए संपर्क करें 8669151757 पर।